तो कैसी लगी दोस्तों? ग्रेट ओशन रोड, 12 अपोस्टल्स, और अभी हम जा रहे हैं हॉपकिंग फॉल्स। यह थोड़ी एक शहर है वॉर्नम्बूल, उसके पास है हॉपकिंग फॉल्स। मैं कभी वहाँ पहले नहीं गया, मेरे को नहीं पता वो कैसा होगा, अच्छा होगा माड़ा होगा, पर जैसा भी होगा चलते हैं, देखते हैं, मन करते हैं। और गाड़ी अपनी दौड़ी रही है 100 की स्पीड में। हॉपकिंग फॉल्स जाएंगे, सोच रहे हैं रास्ते में कहीं चाय पानी का इंतजाम कर लें, तो जैसे ही मौका मिलेगा कहीं रोकेंगे, अपनी चाय पानी बनाएंगे। सस्ता लेंगे या फॉल्स है वहीं पे चाय बना लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ जी, आपका दिल करे वहीं बना लेना। चलो ठीक है, वहाँ मौका मिला वहीं चाय पानी बना लेंगे। वैसे सड़क बहुत अच्छी है, अपने को तो कौन सा है। दिखाओ तो, मेरा तो सड़क पे ध्यान है भाई। ड्राइवर को अच्छी प्लेन सड़क मिल जाए और क्या चाहिए। गैस साथ हो ना तो कहीं भी चाय बना सकते हैं रुक के। हाँ, गैस साथ में हो तो कहीं भी रोको, अपना वहीं बना लो। स्टोव जलाओ और अपना बना लो। हमारे पास छोटा सा गैस है, एक कैंपर गैस छोटी सी। In 800 meters, turn right onto McKee Street. बर्नर है और गैस है, गैस के छोटे छोटे बोतल हैं। जैसे ही मौका लगेगा आपको दिखाएंगे। स्टार्ट की जोन शुरू हो गया है, यहाँ पे हमें गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा। ये हम एंटर हो चुके हैं पोर्ट कैंपबेल, ये शहर का नाम है पोर्ट कैंपबेल। Take the next right onto McKee Street. तो हम शहर के अंदर ना जाके पहले ही राइट टर्न मार लेंगे। तो सामने से कोई नहीं आ रहा तो हम राइट टर्न मार लेते हैं। In 400 meters, turn right onto Great Ocean Road B100. हमने क्या किया है कि बाईपास कर दिया है शहर को। ये वैसे घर है शहर के, पोर्ट कैंपबेल के, जो लकड़ी के घर हैं। हाँ, लकड़ी के घर हैं, पुराने घर हैं, पुराना शहर है, काफी सुंदर है, साफ सुथरा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ के सारे। यहाँ पे खाना भी है, ये सामने ही तो है। तो अब हम जा रहे हैं वॉर्नम्बूल की तरफ। तो एक मोड़ आएगा वहां से, अगर आप सीधा जाओ तो आप मेलबर्न चले जाओ, वरना आपको वॉर्नम्बूल की तरफ जाना है तो लेफ्ट चले जाओ। तो पहले तो हम आते थे ग्रेट ओशन रोड, घूमते थे, वापसी में सीधा अपना मेलबर्न गाड़ी डाली और चल मेरे भाई। Take the next left to stay on Great Ocean Road B100, then turn right onto Kurnevale Port Campbell Road. आज हम जाएंगे वॉर्नम्बूल की तरफ। ये सीधा रास्ता है मेलबर्न का और ये है वॉर्नम्बूल का। तो चलो मेलबर्न की बजाय वॉर्नम्बूल चलते हैं। हॉपकिंस फॉल्स। Take the next right onto Kurnevale Port Campbell Road. तो मेरे को तो लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन है ग्रेट ओशन रोड की। कंटिन्यू ऑन कर्नीवेल पोर्ट कैंपबेल रोड फॉर 18 किलोमीटर्स। क्या ये अंदर से लेके जा रही है वॉर्नम्बूल? जंगलों में से, काफी जंगलात से है वैसे यहाँ पे, पर अच्छी बात यह है कि पीछे छोटा सा गांव है। सब कुछ है, क्या नहीं है से बताओ। नहीं, गांव में सब कुछ है,
बस छोटा है, आबादी छोटी है, क्षेत्रफल छोटे एरिया में बसावट है। बड़े शहरों में मेलबर्न सिटी हो, बड़े मतलब खूब सारे गांवों को इकट्ठा कर दो, वो ऐसे है। थोड़ी मॉडर्नाइजेशन है, इमिग्रेंट्स बहुत हैं। तो चले मिलते हैं फिर ऑपिन फॉल्स पे। क्या हैं दोस्तों, हम पहुँचे हैं ऑपिन फॉल्स। तो ऑपिन फॉल्स क्या है, ये एक झरना है और ये उसकी फॉर्मेशन है। तो ये एक वन ऑफ द वाइडेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया है, 90 मीटर वाइड है और 11 मीटर लंबा है ये। चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या नज़ारे हैं। अच्छा ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है ऊपर से देखने का, नीचे पता नहीं कहाँ से जाया जाएगा। शायद इन्होंने बंद कर दिया नीचे जाने का। ये है ऑपिन फॉल्स झरना। नीचे जाने का मेरे ख्याल से वहाँ से है कोई जुगाड़। या वहाँ से भी जाया जा सकता है। वहाँ से भी जाया जा सकता है, पर पानी इतना ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा जैसा कि आप देख रहे हो वहाँ पे। चलो कोशिश करते हैं कहीं तक तो जाएंगे। आओ ऑपिन फॉल्स, हियर वी कम। मेरे ख्याल से अमेजिंग ईयर इंफॉर्मेशन सारी लिख के रखते हैं, लेनी हो तो। क्या शानदार है, नीचे जाके देखते हैं इसको। रास्ता नहीं पता कहाँ है, आओ नीचे चलते। क्यों है, आओ। हाँ कर दिया, जाओ ले। कोई बात नहीं, चाबी तो पकड़ो, देखते हैं। शायद बंद कर दिया ये। हाँ जी बंद कर दिया, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा हो गए होंगे तो बंद कर दिया। तो यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, मौसम बड़ा अच्छा है आज। कोई 21 डिग्री होगा, 21-22 डिग्री। मेरा काम पे एक मेरा दोस्त बोला, मैं उसको बोला मैं कैंपिंग पे जा रहा हूँ। बोला तेरे दुखे तुम शुरू होने वाले हैं। मैं बोला क्यों? बोला तू अपना अच्छा भला गरम बेड, अच्छा भला खाना, वो सब छोड़ के तू जंगलों में धक्के खाता फिरेगा तो बुरे ही दिन हुए ना। तो बात तो ठीक है, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ के जंगलों में धक्के खाने, बट ये भी करना चाहिए एडवेंचर। इतना एडवेंचर भी नहीं है क्योंकि हमको इतने घने जंगलों में भी नहीं है, सुविधाएं सारी हैं। एडवेंचर तो होता अगर आप किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो। ये है जी, बस यहाँ पे थोड़ा
सांप बिच्छू का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें सांप जी ना बैठे हो। सांप जी मैंने क्यों बोला तो मेरे को याद आया, मैं बहुत छोटा था तो एक दूरदर्शन पे टीवी का सीरियल देखा था, कारनामे सिकंदर के। तो सिकंदर एक नौकर होता है, तो वो सांप देखता है तो अपने मालिक को कहता है सांप जी आए हैं। तो मालिक कहता है उसका, तो अच्छा तो उन्हें बिठाओ, चाय पानी पिलाओ। तो ये फॉल्स है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये फॉल्स। मैं तो सोच रहा था आज यहाँ पे नहाएंगे, क्योंकि सुबह ऐसे नहाना नहीं हो पाया था, पर देख के लगता नहीं यहाँ पे नहाने के लिए कुछ बात बन पाएगी। वहाँ तक जाके उस पानी में नहाया जा सकता है, लेकिन झाग देख के इस पानी के अंदर दिल नहीं कर रहा नहाने का। चलो फिर वापस चला जाए, चलें, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।